अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं वेस्ट मरीना और स्पोर्ट्स सिटी अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग सोसाइटी के। ये दो ब्लॉक्स हैं। अब काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि यार वेस्ट मरीना में करें बुकिंग या वेस्ट मरीना में जगह देखें या स्पोर्ट्स सिटी की तरफ जाएं। तो उन दोस्तों के लिए कंपैरिजन है, काफ़ी चीज़ें दोस्तों को इस कंपैरिजन से क्लियर हो जाएंगी कि दोनों ब्लॉक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके अलावा कौन सी जगह पर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, किस जगह पर नहीं करना चाहिए, अपनी राय के मुताबिक मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। अब ये दो ब्लॉक हैं वेस्ट मरीना स्पोर्ट सिटी, इसमें लैंड देखें दोनों ब्लॉक की मौजूद है, लैंड इनके पास है, डेवलपमेंट दोनों में नहीं है। बैलेटिंग वेस्ट मरीना की हो चुकी है, वेस्ट मरीना में फाइल नहीं है, प्लॉट है, ठीक है। जबकि स्पोर्ट सिटी में जनाब फाइल है और रिसेंट इसकी बुकिंग जो है वो 3 जुलाई को बंद की गई है। बाद में आ जाते हैं जी प्लॉट प्राइस पर। प्लॉट प्राइस 26.5 लाख रुपए जी वेस्ट मरीना में 5 मरला की, और 20 लाख रुपया है स्पोर्ट सिटी में 5 मरला की प्राइस है। डेवलपमेंट चार्जेस वेस्ट मरीना के इंक्लूडेड है, जबकि स्पोर्ट सिटी में डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। अब ये तो होगी बेसिक चीज़ें। अब ये बताना चाहूँगा कि कौन से दोस्त जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर जगह कौन सी है। देखें, आज से 1.5 साल पहले वेस्ट मरीना का ब्लॉक जो है वो लॉन्च हुआ था, बैलेटिंग हो चुकी है, ये फाइल नहीं है, प्लॉट है। लाजमी सी बात है, वेस्ट मरीना की पहले बुकिंग की गई थी तो पहले डिवेलपमेंट भी वेस्ट मरीना में ही होगी, ठीक है। उसके बाद बारी आएगी स्पोर्ट सिटी की, और वेस्ट मरीना जो है वो काफ़ी बड़ा ब्लॉक है। अभी मौके पर जो करंट पोजीशन है या करंट सूरत हाल ये है कि सी और डी ब्लॉक की मेन रोड जो है वो बन चुकी है। प्रीवियस जो वीडियो थी हमारी उसमें लोगों ने देखा था कि टोटली वो कच्चा ही था और कोई इतना काम नहीं हुआ हुआ था। सी और डी ब्लॉक की मेन रोड बन चुकी है, सी ब्लॉक में पोजेशन जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन डी ब्लॉक अभी इन्होंने वहाँ से कहीं और शिफ्ट करना है। तो ये चीज़ आप देखेंगे, डी ब्लॉक शिफ्ट होगा, उसके अलॉटीज जो हैं उनको प्लॉट जो है वो दिए जाएंगे, पोजेशन दिया जाएगा, देन प्रॉपर वेस्ट मरीना का टाइम आएगा, वेस्ट मरीना में डेवलपमेंट प्रॉपरली होगी, उसके बाद जाके स्पोर्ट सिटी का टाइम आएगा। तो जो लोग तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के चक्कर में है कि यार अच्छा ठीक है पढ़ा रहे, उनके लिए स्पोर्ट सिटी जो है वो बेस्ट है, ठीक है। लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि यार हमारी फाइल नहीं, हमारा प्लॉट होना चाहिए और हम अपना प्लॉट अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके लेवल पर ही ले लें, क्योंकि ना तो इस वक्त ओन है स्पोर्ट सिटी पे और ना ही ओन है वेस्ट मरीना पे, कोई ओन नहीं है। जिसके पास भी आप जाएंगे वो स्टार्टिंग में तो आपको यही कहेगा कि जी ओन है, लेकिन ओन अभी नहीं है। तो 8 से 9 लाख या गालबन 10 लाख रुपये तक की पेमेंट जो है वो लोगों ने जमा करवाई हुई है वेस्ट मरीना में, इंस्टॉलमेंट और बैलेटिंग की जो पेमेंट होती है उसके बाद में, जबकि स्पोर्ट सिटी में अभी काम शुरू हुआ है। तो डेवलपमेंट जो है वो जाहिर सी बात है पहले वेस्ट मरीना को वो डेवलप करेंगे, उसके बाद स्पोर्ट सिटी का टाइम आएगा। तो ये बेसिक इन चीज़ों में डिफरेंस है। जो लोग ये चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है उनके लिए बेहतरीन ब्लॉक वेस्ट मरीना है, क्योंकि एक तो बैलेटिंग हुई भी है, प्लॉट नंबर आपकी मर्जी का आपको मिल जाएगा, उसके अलावा ये चक्कर है कि डेवलपमेंट भी पहले इसकी होगी, और जो ब्लॉक पहले डेवलप होगा लाजमी सी बात है रेट भी उसके इंक्रीज होंगे। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर 5 मरले का प्लॉट है तो उसमें 1.5 लाख रुपये मरला भी अगर चार्ज किया जाता है डेवलपमेंट चार्जेस का, तो वो तकरीबन 7.5 लाख रुपया बनता है, ठीक है। वो आपका ऑलरेडी, जब जाहिर सी बात है स्पोर्ट सिटी में लोगों ने देना है, वहाँ पे प्लॉट का प्राइस जो है वो 27.5 लाख रुपये तक जाएगी, तो वेस्ट मरीना वाला जो 26.5 लाख है वो तो ऑटोमेटिकली 30 से 32 में पहुँच जाएगा ना। तो जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने वाले दोस्त हैं उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि वो वेस्ट मरीना की तरफ जाएँ, लेवल पर वहाँ पर आप प्लॉट अपना खरीदें, उसकी इंस्टॉलमेंट देते रहें आराम से, और उसके बाद जो है वो कल को आप उसको बेच भी अच्छे पैसों में सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो का कंपैरिजन। उम्मीद है दोस्तों को इस चीज़ की प्रॉपरली समझ आ गई होगी कि कौन सा ब्लॉक शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है और कौन सा ब्लॉक जो है वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इन मालूमात से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।